बेटी रानी। ऐ परवरदिगार, तेरा चांद तो नजर आ गया है, पर मेरा चांद जैसा बेटा जेल की सलाखों के पीछे है। परवरदिगार, इस माँ की दुआ कबूल कर दे परवरदिगार, या परवरदिगार इस माँ के उठे हुए हाथों की लाज रख ले परवरदिगार। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ अपने बेटे के बगैर, परवरदिगार मेरे बच्चे को इस घर की रौनक बना दे परवरदिगार। किसके लिए? अरे मेरा बच्चा अपनी माँ ये ना। आमीन सुमा आमीन। एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने तो? अरे रानी बेटी, मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मनाऊंगी? माँ, अब मुनीर भाई जेल में है तो आप उनके लिए इतनी दुखी हैं? एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है रानी बेटी? पर माँ, जब मुनीर भाई यहाँ होते हैं तो आप उनसे प्यार भी नहीं करती और उनसे नाराज नाराज रहती हैं। किसने कहा है? मैं मुनीर से बहुत प्यार करती हूँ पर जाहिर नहीं करती। आखिर क्यों माँ? अरे तू मेरी लाडो है और नासिर मेरा हीरा है हीरा, और मुनीर मेरा शेर है शेर। माँ मैं कुछ समझी नहीं। अरे पगली, मुनीर दहशत की वो अलामत है जिससे उसकी माँ भी खौफजदा रहती है, इसीलिए तो नाराजगी जाहिर करती हूँ। अच्छा अब मैं समझी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक शीदा, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको मुबारक हो। चांद मुबारक शीदा भाई। आपको भी बहुत मुबारक हो बहन जी। ओ माँ जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने घर चला जाऊँ, माँ याद कर रही है। हाँ शीदा बेटा जाओ, इस दिन ना माओ को बच्चे बड़े याद आते हैं। और हाँ एक बात का ख्याल रखना, सुबह जल्दी आना। हाँ। क्योंकि मैंने तोहफे बांटने होते हैं और माँ को भी साथ लाना। ये कोई भूलने वाली बात है? मैं गया और आया। रानी बेटा नासिर नजर नहीं आ रहा। माँ जी एज यूजुअल, आज चांद रात है और नासिर भाई अपने दोस्तों के साथ बाहर। अरे माँ आप यहाँ खड़े खड़े थक जाएंगी, आप पता है सुबह ईद है, आपने तोहफे भी बांटने, तो चलें आप चलकर आराम करें। मेरी बेटी बड़ी नहीं हो गई? आ जाओ चल। चंपा और चमेली को, ये चंपा और चमेली, ये कलियां नहीं नवेली। हाँ ईद का दिन है करे हमको लगा के मिले ईद। वालेकुम सलाम। असर भाई ईद मुबारक। खैर मुबारक भाई सीधे, बड़े गाने माने गा रहे हो आज। जी ईद का दिन है, खुशी का दिन है और माँ जी डबल डबल ईद देंगी। हाँ भाई ईदी तो मिलेगी। हाँ जी और सुनाए। माँ जी को बुलाओ। माँ जी, हाँ जी, खुशियों का दिन होता है पर आप इतनी उदास उदास क्यों है माँ? अरे किसने कहा मेरा बच्चा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई उदास नहीं हूँ। मैं समझ गया अम्मी जान, आपको जरूर मुनीर भाई की याद में उदास कर रखा है। तू बिल्कुल ठीक समझा है, ये ईद मेरे लिए दुख का बायस तो बनी है, मेरी जवान औलाद जेल के सलाखों के पीछे है। अरे माँ आप उदास क्यों होती हैं? मैं और नासिर भाई हैं ना आपके साथ। अरे मैं ठीक हूँ लड्डो, अपने भाई को ईद नहीं मिलोगी? ओ हाँ नासिर भाई, मेरी ईद ही कहाँ है? मुझे याद है अच्छा क्या बात है भाई।
अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। बार कुछ लोग ईद के तोहफे लेने के लिए आ गए, अगर आपकी इजाजत हो तो उनको अंदर भेजो। जी जी उनको भेजो। अभी भेजता हूँ। माजी जी तो सारे बनवा लिए थे? हाँ मेरा बच्चा। ईद मुबारक चौधराइन बहन। खैर मुबारक। तुम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। चौधराइन बहन, मैं रात दिन नमाज पढ़ के बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुनीर भाई को जल्द से जल्द लेकर आए और जेल से रिहा करे। आमीन। अल्लाह ताला ताकि इस घर के अंदर बहुत सी खुशियाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे लिए तो मैंने खास तोहफा बनवाया। माचिस की डिबिया रखते हैं। माचिस की डिबिया। शीदे माजी देखो, शीदे को बकवास बंद। अच्छा माजी मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। आप खुशियाँ मनाएं। अल्लाह हाफिज़। माजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। तुम्हारी बहन तो तुम्हारा ऐसा ले गई। बहन होगी तेरी। जरा मौका महल देखा कर यार। शीदे शीदे ये ले। माजी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। शीदे अस्सलाम चौधरी साहब, ईद मुबारक। सलाम। खैर मुबारक। तुम्हें भी ईद मुबारक हो। ये लो। और नासिर भाई आपका भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। अरे वाह भाई, शीदे और डब्बे लिया है। वालेकुम अस्सलाम। खैर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। मैं दरगाह पे गया था, मिस्री से आपके बेटे के लिए दुआ करी है। यदि जेल से रिहा हो के आ जाएगा मनीष शाह। अल्लाह तुम लोगों की सब की दुआएं कबूल करे। तो फल आमीन। मेरे ख्याल में माजी अब लोग और नहीं है, है। वालेकुम। माजी ईद मुबारक। नासिर भाई ईद मुबारक। और मेरी दुआ तोहफा देने का शुक्रिया। अल्लाह ताला मुनीर शाह को जल्द अज जल्द जेल से रिहा करे। आमीन आमीन। चौकीदार और कोई है? नहीं। नासिर भाई। हाँ ये शीदे रखो, अंदर है मेहमान। हरिपुर गांव से चौधरी हशमत आई है, अगर आपकी इजाजत हो तो उसको अंदर भेजो। लो अब चौधरी भी तोहफे मांगने आ गए। शीदे चौधरी हशमत। अच्छा भेजो। अभी भेजता हूँ। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक भाई साहब, आपको भी ईद मुबारक। हमारे प्यारे दोस्त यानी कि आपके शोहर खुशी मोहम्मद से हमारी बहुत गहरी दोस्ती थी। हमारे वालिद मरहूम तो यारों के यार हुआ करते थे। आज इसी यार की यारी की वजह से मैं आपके घर आया हूँ। और मैंने ये सुना है कि जो इस घर में आता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। शीदे भाई साहब, मैं आपका मतलब नहीं समझी। बहन जी मैं यहाँ एक सवाली बनकर आया। आप क्या कहना चाह रहे? अभी तक हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे। बहन जी जिस तरह से आप एक बेटी की माँ हैं, उसी तरह से मैं एक बेटे का बाप हूँ। आप अपने आने का मकसद आसान लफ्जों में बयान कीजिए चौधरी साहब। नासिर बेटा और बहन जी, जिस घर में बेरी होती है वहाँ पत्थर तो आया ही करते हैं। लो नया पंगा। शीदे भाई, लगता है चाचा जी आप बहुत थके में बैठे, कुछ चाय ठंडा? नहीं बेटा, ना तो मुझे चाय की जरूरत है और ना मैं थका हुआ। तो फिर भाई साहब हम आपकी बिल्कुल बात नहीं समझ पा रहे। आपके आसान अल्फाजों में आप यहाँ आने का मकसद बयान करें। बहन जी मैं अपने
बेटे शाकिर का रिश्ता आपकी बेटी रानी के लिए लेकर आया हूं। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, आज ईद के दिन? जी हाँ बहन जी, आज ईद के दिन। मैंने सुना है कि आज ईद के दिन जो भी सवाली बनकर आपके घर में आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, और मुझे यकीन है कि मैं भी खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। तो ठीक है भाई साहब, मुझे 2 दिन की मोहलत दें, मैं अपने बड़े बेटे से मशवरा करके आपको बताऊंगी। ठीक है बहन जी, मैं 2 दिन बाद फिर सवाली बनकर हाजिर हो जाऊंगा। चौधरी साहब, हमें मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। अरे नासिर बेटा, जब 2 दिन बाद बहन जी अपनी बेटी का रिश्ता मेरी झोली में इनायत कर देंगी तो फिर दिल खोल के मेरी मेहमान नवाजी करना। अच्छा बहन जी, अल्लाह हाफिज। बताऊं मेवी, आज ईद के दिन मेरा चांद जैसा भाई घर पर नहीं, इसलिए मेरा दिल बहुत उदास है, खुश नहीं। कह तो तुम सही रहे हो, जिसका भाई साथ ना हो और प्यार करने वाला, उसकी खुशियां मद्दम हो ही जाती हैं। लेकिन तुम परेशान ना हो, मुनीर भाई जल्दी तुमसे मिलने आएंगे और तुम्हारे घर में भी खुशियां आएंगी इंशाल्लाह। आमीन। अरे बाप रे, मैं तो भूल गई, अम्मा ने काम बोला था एक। नासिर, तुम्हें देख के ना मैं सारे काम भूल जाती हूँ। अच्छा मैं जल्दी फिर मिलते हैं, ठीक है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मेरा कॉलेज का फ्रेंड फिल्म स्टार हनी खान लोधी। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसा है, ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक। आज मैंने सोचा कि ईद का दिन है तो सबसे पहले किस दोस्त से मिलना चाहिए, तो मैंने डिसाइड किया कि नासिर से मिलता हूँ। लेकिन मेरी जान, यहाँ आके तेरे चेहरे की उदासी का सबब समझ नहीं पाया। यार आज ईद के दिन मेरा भाई घर पर नहीं है, इसलिए मेरा दिल बहुत उदास है सनी। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बात है। मेरी जान तू फिक्र नहीं कर, इंशाल्लाह मुनीर भाई बहुत जल्द आ जाएंगे, ठीक है? और मैं भी तो तेरा भाई हूँ, तो तू वरी क्यों होता है? ईद का दिन है, जरा सा चेहरे पे मुस्कुराहट ला, जरा सा हैप्पी हो जाना। तू ठीक कह रहा है मेरे दोस्त, आज ईद का दिन है और मेरी बहन का रिश्ता भी आया है। अरे वाह 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 यार, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बहन का रिश्ता है। अब तू देख, बाजी की शादी में तू और मैं मिलकर ऐसा डांस करेंगे, ऐसा चिल करेंगे, मस्ती करेंगे कि ये दुनिया जो है ना हमेशा याद रखेगी। बिल्कुल। डन हो गया? डन। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? और रात को तू मेरे पास आ रहा है, हम दोनों भाइयों ने मिलकर के खाना खाना है। ओके मेरे भाई। ऑलराइट, बाय बाय। बाय बाय। Allahu 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 All
हूँ। बाबा जी आपने हमारे घर की रजिस्ट्री कराई हुई है, जब देखो मूठा के जरिए आया तो हक अल्लाह हक अल्लाह। बाबा जी हमने क्या तुम्हारी रोटियां चुराई हैं, यहाँ आ जाते हो हैं? हक मेरे जोहो जलाल से बच बचा वरना जला के राख कर दूंगा। आज तू जलाल तू बाबा जी आप बला को टाल तू धुम धुम अल्लाह अल्लाह धुम धुम अल्लाह अल्लाह। मुझे माफ कर दो बाबा जी, मैं मजाक कर रहा था, गलती हो गई मुझसे। बाबा बहुत पहुंचा हुआ बच्चा, आपकी पहुंच सिर्फ हमारे घर तक है, इससे ज्यादा आपकी पहुंच ही नहीं है। हक अल्लाह जब भी पहुंचते यही पहुंचते यही खत्म हो जाता। धुम धुम बाबा जी हुक्म करें हुक्म करें। चौधरी भाई साहब मैं मजाक कर खुदा की जाके अपनी बेगम साहबा को बुला के लाओ। आपकी आवाज सुन ली थी, ये रहा आपका राशन। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुझे ढेर सारी खुशियाँ दे। अल्लाह तुझे हर नजरबद से बचाए। अल्लाह तेरे खजानों में इतनी बरकत दे कि तू लोगों में बांटती रहे। आमीन। आय अल्लाह इसकी सारी मुरादें पूरी कर दे। आमीन। हकू बाबा जी मेरी तो बस दिल की एक ही मुराद है कि मेरा बेटा जेल की सलाखों के पीछे जल्द इस घर की रौनक बन जाए। फिक्र ना कर बेटा, तेरा बेटा जल्द घर आ जाएगा, ये बाबा की दुआ है। और बाबा चिल्ले पे बैठ के तेरे बेटे के लिए दुआ करेगा, अल्लाह इसके दिल की सारी मुरादें पूरी कर दे। आमीन। और इसका बेटा घर आ जाए। आमीन। हक अल्लाह बाबा जी ने दुआएं दी है, इंशाल्लाह हमारे मुनीर शाह जी बहुत जल्द रिहा होकर आ जाएंगे, बहुत जल्द। सीधे तू सही कह रहे, शाहजी आएंगे। हाँ शीते हाँ। तू सही कह रहे हैं। हाँ। अब शाहजी आएंगे। हाँ। और बहुत जल्द आएंगे। और पता है शीते, जब शाहजी आएंगे ना तो मैं पूरे मोहल्ले में चिरागा करूंगी, चिरागा। वेरी गुड। और मेरी ईद भी तभी होगी ना जब शाहजी आएंगे। जाहिर है, मैं तैयारियां करती हूँ शाहजी की। सही, बस तू चिरागा करना, मैं धमाल खेलूंगा। अब देखते हैं कि पहले क्या होता है, पहले होता क्या है ये बता, पहले क्या होगा? अगर हुआ मुन्ना तो उसका नाम रखेंगे बिल्लू है? और अगर हुई मुन्नी तो हम उसका नाम रखेंगे बिल्लो। इसका मतलब है कि तेरी शादी हो गई है? हो नहीं गई, तेरा प्रोग्राम बनाया हुआ है। जाहिल तुझे पता ही नहीं किसका मतलब तेरी शादी हो गई। चल दबाओ, ईद का दिन है। हाँ? चांद रात को तू मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग का करवा ही नहीं, शादी करूंगा। शॉपिंग पे मुझे याद है तेरे लिए मैंने ना मोबाइल खरीदा है। मुच्ची, लेकिन मैं तुझे अब दूंगा नहीं। क्यों? इसलिए कि रात को किसी ने मुझे मनुष्य ने पबजी पे लगा दिया। पबजी पे इतना मजा आया, इतना मजा, मैं खेल खेल के सुबह हो गई, मुझे बड़ा ही मजा आया। तुझे बड़ा मजा आया? ये तेरा काम नहीं पबजी खेलने का, अब पबजी ना इसमें मैं खेलूंगी। चले रोटियां पका, तू रोटियां, पबजी खेलूंगी। पबजी पबजी में गली मारेगी, रोटियां भी पकाऊंगी, बर्तन भी धोऊंगी। हाँ। सारे काम भी किचन के करूंगी और साथ पबजी भी खेलूंगी। अगर ज्यादा पक पक की ना। हाँ। तो मैं ना सब भी बता दूंगी। नहीं सत्यानाश कर देंगे। खुदा का वास्ता मुनी शाहजा को कुछ ना बताना, वरना तुम मेरा हशर नशर हो जाएगा। तू 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 जा, तू जा, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। एक मोबाइल बड़ी उसी से खरीदा ना, लेकिन मनु तेरा सत्यानाश जाए। खुशी की बात ही ऐसी है जी। मुझे भी तो बताओ यार। पबजी पबजी हैं? नहीं वो, हाँ वो फकीर बाबा आया था, वो ये कह के गया कि इंशाल्लाह हमारे मुनीर शाह जी बहुत जल्द जेल से रिहा करा जाएंगे, है ना खुशी की बात? ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। हैला मैं तो बड़ा खुश हूँ। आपने माजी को बताया? मैंने माजी को बताना हूँ जी, मैं उनको बताने वाला हूँ, बस आप टेंशन ना लें, मैं जा रहा था बताने। चलो ठीक है, तुम बता के आओ। मैं बता के। नासिर भाई यार एक तो ये आता है ना, मुझे लगता है कुछ चुड़ैल का बच्चा आ गया। देखो ये
ऐसा मजाक हमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा मजाक नहीं करो। अच्छा देख यार नासिर भाई, बाहर चौधरी अश्वत साहब भाई है, अगर आपकी इजाजत हो तो उनको अंदर भेजो। बुलाओ। लो भाई, लगता है चौधरी साहब को भी ये खुशखबरी मिल गई मुनीर शाहजी की। जो भी तो आ रहे हैं वो। तुम कुछ कहना मत। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप चुप रहे। अस्सलाम वालेकुम नासिर बेटा। वालेकुम अस्सलाम चौधरी साहब, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। वो बहन जी नजर नहीं आ रही। जी मैं बुलवाता हूँ। सीधे माँ जी को बुलाओ। माँ जी, माँ जी, माँ जी। नासिर बेटा, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ या मेरी नजरें धोखा नहीं खा रही तो ये मुनीर शाह की तस्वीर है ना? जी हाँ, ये वही मुनीर शाह है जिसने कत्ल किया और जेल चला गया। ये मेरा भाई मुनीर शाह है, लेकिन इसने कत्ल नहीं किया, इस पर कत्ल का झूठा इल्जाम लगाया गया था, और अब इंशाल्लाह ये बहुत जल्द वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब, कैसी हैं बहन जी आप? अल्लाह का शुक्र है भाई साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहन जी, मैं आज दो दिन बाद फिर सवाली बनकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। भाई साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक मैंने अपने बड़े बेटे से मशवरा नहीं किया। बहन जी, मैं तो बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। मेरी बीवी जो मौत और जिंदगी की कश्मकश में अस्पताल में दाखिल है, उसने मुझसे कहा है कि वो उसके मरने से पहले अपने बेटे के सर पे सेहरे देखना चाहती है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं बहन जी, आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरी झोली में डाल दीजिए। बहन जी आप अपनी बेटी का रिश्ता मेरी झोली में डाल दीजिए। बहन जी आप एक औरत है और औरत ही औरत का दुख समझती है। बहन जी मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, बहन जी अपनी बेटी का रिश्ता मेरी झोली में डाल दीजिए। आपको आपके मरहूम शोहर खुशी मोहब्बत का वास्ता, आपको अपने बेटे मुनीर शाह का वास्ता, मैं आपकी बेटी को दिलो जान से अजीज रखूंगा, अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। जाएं भाई साहब, अपने बेटे की शादी की तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। मैं रो नहीं रही बेटा, मैंने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। जा अपने भाई के पास जा, कि चौधरी हशमत जो हरिपुर हजारे वाले ना, आपके बाबा का दोस्त रानी का रिश्ता उसको दे दिया है मारे भाई को। बता क्या चल मां। Thank you.
क्या हुआ बेटा? अभी तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ रही थी रानी, तो तुम्हारा नाश्ता लेके, और मेरा दामाद नहीं आया साहब, तू अकेली आ गई। बोल रानी, माँ का कलेजा निकल रहा है, क्या हुआ? इस सुलिए में तुम जाओ। क्या बोला माँ? कैसे खड़ी हुई है माँ? और माँ, यह तो मुझे शक्ल से भी बड़ी गमज़दा लग रही है। माँ, तेरी खामोशी में मुझे तूफान नजर आ रहा है। नहीं मनीर भाई, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर यह बता, तेरी शादी किसके साथ हुई है? भाईजान, इसकी शादी चौधरी हशमत के बेटे शाकिर से हुई है। क्या क्या कह रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ भाईजान। चौधरी हशमत के बेटे से? ये तूने क्या किया है माँ? ये तूने क्या कर डाला माँ? क्या कर दिया तूने माँ? क्या किया? शादी उसे नहीं होने देता। मुझसे पूछ तो लिया होता कम से कम। हाँ मुनीर, ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ बेटा, लेकिन मैंने नासिर को भेजा था तुम्हारे पास। नासिर, तुमने मुझे नहीं बताया? मैं बताने वाला था भाईजान, अचानक मुलाकात का वक्त खत्म हो गया। वाह वाह माँ वाह, कभी मुलाकात का वक्त खत्म हो जाता है और कभी माँ दुश्मनों से अपनी रिश्तेदारी कर लेती है।
मैं जेल क्या चला गया, तब मैं तो रिश्ता इतना डाले। एक बेटी अपनी मां से पूछती है, मेरे ये खाली हाथ और मेरे ये नंगा सर, मेरा फैसला कौन करेगा? कौन करेगा तेरा फैसला? मैं करूंगा, मैं करूंगा बेटा। और चौधरी अशमत की ऐसी बेटा थी, और जो मैं कहता हूं वो मैं करता भी हूं। से पहले तेरा ही काम लगा। दिमाग पे मारता हूं मैं। मुनीर बेटा मैं बात करती हूं, तू जा यहां से, जा यहां से। सुन, जो मैं कहता हूं वो मैं करता भी हूं। सुन दामाद बेटे, अगर तुमने मुझे झूठे मुंह भी ना 5 एकड़ क्या, मैं तुझे 10 एकड़ भी दे देती, लेकिन तुमने मेरी बेटी के साथ बहुत भयानक सलूक किया। कल आना मेरे घर, अपने जमीन के कागजात और बीवी को ले जाना। लेकिन हाँ, इस बार तो मैं तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन हिंदा इसकी उम्मीद मत रखना। और बच के रहना मुनीर के जाओ जलाल से, आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन हिंदा अपनी हिफाजत खुद करना। अपने बाप से कहना चौधरानी आई थी, क्योंकि उसने मुझे बहन और मैंने उसे भाई कहा। चलती Thank you.
लग गई है। अल्लाह रहम करे इस पर, या अल्लाह दुश्मन की बुरी नजर से बचाना मेरे मालिक, इस घर की हिफाजत करना। ओए बिल्ली, ओ बिल्ली, कौन सा दरवाजा खुला हुआ, तू आगे बिल्ली। हां कमीज से क्या बात करूं, हुआ क्या मुनी भाई, आराम कर रहे हैं, क्या बात है? नहीं मैं मुझे मुझे मुनी भाई से बात करनी है। अबे क्या बात करनी मुझसे कर ले, मुनी भाई सो रहे हैं। वो ना वो सीधे वो लड्डू मेरे पीछे लगा हुआ है। लड्डू तेरे पीछे लगा हुआ है? तेरे पीछे, तेरे पीछे क्या बच्चा बन, बच्ची के पीछे पड़ा हुआ है? प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल देख लिया कर, बीमारां नूं शफा। बाथरूम सिंगर, यानी बाथरूम सिंगर लग रहा है। गड्डी तू मंगा ले, तेल में पवानिया। गड्डी तू मंगा ले, तेल में पवानिया। मैं तेरे कोल रवा के रानिया। अच्छे मुझे लग रहा है तू गम में अताउल्लाह इसका खेल भी बन जाएगा। तू कुछ भी कर ले, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। बस जब वो राजी नहीं है तो तू उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ भाई? देख सीधे, ये मेरी मंग है। मंग है? हाँ। क्यों भाई? और मैं ख्वाबों में, ख्वाबों में मैं इससे शादी जरूर करूंगा। अबे जब वो नहीं मांग रही तो तू जबरदस्ती शादी क्यों करेगा? एक शीद है, मेरा और इसका घर बस रहा है, तो तू हमारी फेवर करना है यार। अबे फेवर क्या करूँ, जब लड़की राजी नहीं है तो मैं कैसे फेवर कर लूँ? इधर आ भाई, इधर आ भाई, बात तो सुन। दूर दूर हाथ नहीं लगाएगा, हाथ नहीं लगाएगा। मनोज किरमिश की बॉल और फिर बॉल। तू मेरे से शादी क्यों नहीं कर रही है? बस मुझे नहीं पसंद तू। तेरी कोई शर्तें तो बता। मेरी ये शर्त है, गाड़ी हो, गाड़ी हो और मुझे ओए तो मेरे से बड़ा भी तो है। अबे चाबी वाली गाड़ी ला दे ना, चाबी वाली गाड़ी। नहीं मेरे में बात सुन, हां बात सुन, मेरे में क्या खराबी है? मुझसे क्यों नहीं शादी कर रही? मेरे कागजात पूरे नहीं है। मैं कच्चा धुआं छोड़ता हूँ। कच्चा धुआं छोड़ता है मनुष्य? हाँ। अगर आप दोबारा मुझे शादी का नाम लिया दे मुनीर भाई से, तेरे शिकायत लाओगे तेरा बहुत बड़ा हशर होगा। और सीधे तुम इसे ले, तू भी इसके साथ बड़े मजे ले। नहीं नहीं नहीं, मैं तो तेरी शादी की बात है वो कर रहा, मजे तू ले रहा है। अरे मैं तेरी फेवर कर रहा हूँ मेरी गुड़िया, मैं तेरी फेवर ले रहा हूँ। मैं तो मनुष्य को कह रहा हूँ, मनुष्य तो बता दिया थे क्यों नहीं शादी कर रहे? हरिया हरिया क्यों हरिया हरिया मुनीर भाई आएंगे ना, मुनीर भाई से मैं दरख्वास्त करूंगा। क्या? मुनीर भाई वैसे भी लोगों की मदद करते हैं। सही बात। मैं मुनीर भाई से दुआ ये करूंगा। क्या? के चुटकी की औरी वो गोली मार देगा, गोली मार देगा। क्या 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 शिदे भाई, बाहर वो है ना, क्या नाम बोलते, इमदाद खान चाची का जो दोस्त है, वो है, अगर आपकी इजाजत हो तो उसको अंदर भेजो। तुम लोग जाओ इमदाद खान साहब, इसको गोली मार, चल 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 आधी बात करवाई, चल 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 चल। क्या ख्याल है तुम्हारा, भेजो भेजो भेजो, शाजी को बुला दो। मुनी शाजी, मुनी शाजी। ऐसी कोई बात नहीं, मैं एक मसले में फंस गया था, वरना ऐसा कैसा हो सकता है कि मैं जेल से आऊं और अपने यार इमदाद खान को ना बताऊं? ये तो ठीक है बड़ा, मगर फिर भी कोई ऐसा बात तो नहीं है जो तुम अपना यार इमदाद खान से छुपाता हो? इमदाद खान ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी अगर कोई बात हुई तो मैं अपने यार इमदाद खान को ही बताऊंगा। चलो ठीक है, सुनो शाह जी, हमने तेरा जेल से आने की खुशी में
अपने डेरे पर एक जश्न का इंतजाम किया है, तुम शाम को हमारे डेरे पे जरूर आना, अभी हम चलते हैं। इमदाद खान, ना तुमने चाय पिया ना खाना खाया और जाने की बात कर रहे हो। वर्षा जी, जब तुम शाम को हमारे डेरे पे आएगा फिर हम तेरे साथ बैठ के खाएगा भी और पिएगा भी। शाहजी, आज आपका दीदार हो गया। पता है मैंने कितनी मन्नतें मानी थी आपकी रिहाई के लिए। क्यों तूने मेरी रिहाई के लिए मन्नतें मांगी थी? क्या रिश्ता है तेरा मेरा? बड़े ही बेपरवाह शाहजी। क्या मतलब? मतलब ये शाहजी कि मैं आपसे प्यार करती हूँ शाहजी। दिमाग खराब हो गया है तेरा? प्यार की बातें मेरे सामने मत किया कर। प्यार नाम की मेरे पास कोई चीज नहीं है। पर शाहजी, मैंने तो पूरी जिंदगी प्यार सिर्फ आपसे किया है। मेरे दिल में आपके अलावा और कोई नहीं रहता शाहजी। मैंने कहा ना मुमताज, मेरे हाथ में प्यार की वो लकीर ही नहीं है। शाहजी, प्यार लकीरों से नहीं नसीबों से बनते हैं शाहजी। सही कह रही है तू बिल्कुल। हर रात के बाद सुबह होती है, लेकिन जिसके नसीब को नींद आ जाए वो क्या करे। मेरा भी वादा है शाहजी, मैं तेरे नसीब को नींद से जगाती रहूंगी। मैं तेरे दिल पे दस्तक देती रहूंगी शाहजी। मैं हार नहीं मानूंगी शाहजी। क्या हाल है तेरे? अल्लाह का शुक्र है जी भाई। और ये बता तेरी माँ की तबीयत कैसी है? माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है, आपको बड़ा याद करती है और आपके लिए दुआएं बहुत करती है। अरे माँ को तो अल्लाह ने बनाया इसीलिए कि वो अपनी औलाद के लिए दुआएं करे। अच्छा बात सुन जी, मैं जा रहा हूँ, मैं रात को देर से आऊँगा, मेरी माँ आए तो बता देना कि मुनीर भाई देर से आएंगे। ठीक है भाई। जब से भाईजान आए ना, ना मेरे से कोई बात की, ना मेरे साथ खाना खाया। वो गए अपनी दोस्त के पास, कह के गए हैं कि मैं रात को देर से आऊंगा। चलो सही है, फिर मैं भी जाता हूं। चलो
शाकिर, क्या हुआ तुम्हें? क्या हालत बनाई हुई तुमने ये? और ये तुम्हारे मुंह पे मारा क्यों बज रहा है? कुछ नहीं डैड, मुनीर शाह आया था। क्या? मुनीर शाह आया था? क्या कह रहा था? कहेगा क्या, थप्पड़ मार कर गया। मुनीर शाह थप्पड़ मार के गया है चौधरी हशमत के बेटे को? मुनीर शाह थप्पड़ मार के गया है? शाकिर, तेरे एक एक थप्पड़ का इंतकाम मैं इस तरह से लूंगा जैसे मैंने अपने मरहूम भाई की मौत का बदला मुनीर शाह के बाप से लिया था। क्या मतलब डैड? खुशी मोहम्मद अंकल को आपने मारा था? हाँ, जो चौधरी से टकराता है चौधरी हशमत उसके खानदान को नाबूद कर देता है। लेकिन डैड, मैंने मुनीर शाह की आंखों में वो तूफान देखा है जिसे ना आप रोक सकोगे और ना मैं रोक सकूंगा। बाकी आपकी मर्जी है। बड़े बड़े तूफान देखे हैं मैंने। चौधरी हशमत तो खुद एक तूफान है जो जहां जाकर खड़ा हो जाए वहां की दरो दीवार को हिला देता है। और सुन, मैंने मुनीर शाह के बाप को इस तरह से मारा था कि आज तक किसी को पता नहीं चला। और अब मुनीर शाह की बारी है। मुनीर शाह मर गया तो चौधरानी खुद ब खुद मर जाएगी और उसके बाद उसकी तमाम जायदाद। मेरे बेटे की होगी, मेरे बेटे की। लेकिन वो कैसे जज? उसका भी मैंने इंतजाम कर रखा है, बस आने ही वाला होगा। वालेकुम अस्सलाम भूरे। अच्छा डैड, मुझे रानी को लेने जाना है, दर्दी से कुछ कपड़े भी लेने हैं। आप इतनी देर अपने दोस्त से बात करें। आओ भूरे, आज तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चौधरी, मुझसे क्या काम पड़ गया? बहुत छोटा सा काम पड़ गया है भूरे तुझसे। हम तो खुद यही चाहते हैं कि चौधरी को हमारी जरूरत पड़ती रहे और हमारी दुकान। क्या मतलब है तेरा? मैं कुछ समझा नहीं। खैर, ये बता, आजकल तू बंदे मारने की क्या ले रहा है? ये बात कही ना आपने कि बंदे मारने के क्या लेते हो चौधरी? पैसे तो बंदे के तोल के हिसाब से लेता हूं मैं, तोल के हिसाब से। क्या मतलब है भूरे? इस काम के मैं तुझे 5 लाख दूंगा। 5 लाख? 5 लाख? सिर्फ 5 लाख? बंदा, बंदे का नाम तो बताओ चौधरी। बंदे का नाम है मुनीर शाह। मुनीर शाह? खोपड़ी में आता है ये वही मुनीर शाह तो नहीं है जो जेल में है? नहीं नहीं भूरे, नहीं। मुनीर शाह जेल में था, अब जेल से बाहर है, इसीलिए मैंने तुझे बुलवाया है। चौधरी, वैसे भी आपके इतने एहसानात हैं, आप सिर्फ हुक्म करें। अच्छा एक बात बता, मुनीर शाह वाकई शेर को मारने के कितने पैसे लेगा? शेर को मारने के? शेर को मारने के चौधरी, मैं पूरे 50 लाख रुपए लूंगा। पागल हो गया है भूरे, ना तेरे 50 ना मेरे 5, 20 लाख दूंगा, क्या बोलता है? अरे चौधरी, भूरे को तुमने यहां ठंडा कर दिया, वैसे भी आपके इतने एहसानात मुझ पर है, 20 लाख चले ठीक है, 20 लाख मुझे मंजूर है। वैसे भी आपके मुझ पर बहुत एहसान आते हैं, ये सौदा मंजूर हुआ और ये सौदा डन हुआ। अगर
अगर तू मेरा ये काम नहीं करता तो मैं तेरा काम उतरवा देता।
अपनी नस्ल को बेनसील करने वाले। अबे कल तक जो हमारे पांव की चप्पल पहनते थे आज वो मारने और मर जाने की बात कर रहे हैं। तो फिर चला गोली। मुनीर चलाऊंगा जरूर गोली। चलाऊंगा। अच्छा बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को लौट आया तो इसे भूला नहीं कहते।
तू भी बिल्कुल मेरे नासिर और मुनीर जैसा है। हाँ बहन जी, वो मुझे मुनीर पे नजर आया, ये याद आया कि मुनीर शाह नजर नहीं आ रहा। बस आता ही होगा, जरा दोस्तों में गया। बेटा अब शिकायत का मौका नहीं देना। बहन जी मैंने बहुत समझाया इसे, बहुत समझाया। चलो अब वकील कहाँ रह गया बेटा? माँ जी अभी फोन पे बात होती आती होंगी। सलाम वालेकुम नासिर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक। ये आपकी 5 जमीन की रजिस्ट्री है जो मैंने तैयार की। बेटा थोड़ा सबर कर दो, अगर मुनीर आ जाए तो रानी को अपने हाथों से भेजिए। बहन जी आपने तो कहा था कि मुनीर शाह अभी आने ही वाला है। जी जी आता ही होगा। काफी देर हो गई, आए नहीं। तुम्हारे जमीन के कागजात और ये मेरी अमानत, लेकिन अगर खाना खाकर जाओ तो मुनीर शाह से भी मिल लोगे। बेटा मुनीर शाह कहाँ गया है? इमदाद शाह के डेरे पे तो नहीं चला गया? मेरी लाडो बहुत प्यारी लग रही है। अब दोनों ना आप लोग शिकायत का मौका नहीं देना मुझे। बहन जी अब आपको इंशाल्लाह ये शिकायत का मौका नहीं देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसा नहीं होगा। मेरी तो कोशिश यही है कि ये आपको शिकायत का मौका ही ना दे। सही बात। क्या ख्याल है बेटा शाकिर? वो तूफान नहीं जो बारिश के चंद कतरों से चला जाए। तो जैसे मैंने बड़े बड़े तूफान देखे हैं। चौधरी लगता है कि अपनी उम्र के हिसाब से तू ये भी भूल गया है कि मेरा नाम मुनीर है, मुनीर शाह। जानता हो तू मुनीर शाह है? अरे मेरा बेटा मैं बात कर रही हूँ मुनीर शाह, तुम अंदर जाओ। मुनीर शाह भाई साहब, मेरे बेटे की बात का बुरा मत मनाना। दिमाग का गर्म है पर दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने बहुत बुरा किया है। बहन जी वाकई वो दिमाग का गरम आदमी, लेकिन है तो बच्चा ही ना, इसीलिए मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना और कभी अपनी औलाद की बात का बुरा नहीं माना जाता। अच्छा बहन जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी रानी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। जी आपको इजाजत है, लेकिन अगर खाना खा कर जाते तो? नहीं बहन जी, इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही जाए। आओ बेटा। मेरा ये चांद जैसा भाई, मैं तुम्हारे माँ बाप को पसंद।
फिर ठीक है, चांद की 14 तारीख को मैं अपने भाई का रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ना सुनना मुझे पसंद नहीं है, और जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। मेरे मन्ने, पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? भाईजान मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी है और पुलिस का कोर्स भी पूरा हो गया है। अब आपका भाई पुलिस अफसर बनेगा। वाह, मेरा भाई पुलिस अफसर बनेगा। अरे बाबा की भी यही ख्वाहिश थी कि मेरा मुन्ना पुलिस अफसर बने। वाह, चले मुन्ना। भाईजान मुझे एक काम याद आ गया। सलाम शाहजी। वालेकुम सलाम। क्यों आई हो शाहजी? आप मेरी अर्ज पे गौर तो करें। मैंने कितनी दफा कहा है मुमताज, इस पहाड़ से अपना सर मत टकराओ। ये वो रेगिस्तान की तरह है जहां कोई फसल नहीं उगती। जाओ जाओ, चली जाओ यहां से। जितनी तेरे अंदर नफरत है ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार है। और ये मेरा वादा है कि मैं इस नफरत को प्यार में बदल के रहूंगी। आओ। अच्छा लगा भाई तेरा ये अंदाज। लगता है कि शाहों की हवेली में आकर तू भी शेरनी बन गई है। सच्ची? जी बाबा।
कुमार और हमारे अलावा कोई और भी आता है क्या? नहीं बाबा। तो फिर पैसे कहाँ गए? अरे जाएंगे कहाँ डैड, इसने भिजवा दिए होंगे अपनी माँ के घर। शाकिर आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता भी आप मेरी माँ के लिए बात कर रहे हैं? ओहो चींटी के लिए पर निकल आया। हाँ शाकिर इधर आओ। बाबा मुझे नहीं पता, मैं सच कह रही हूँ बाबा मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? कितनी दफा मैंने तुमसे पूछा, तुमने यही कहा कि तुम्हें नहीं पता। अरे जी बाबा, तुम्हें पता ये कितना सालिम आदमी है? अगर तुमने मुझे 20 लाख रुपए नहीं दिए तो शाकिर तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़ा करके कुत्तों के आगे डाल देगा। नहीं नहीं बाबा नहीं। तो फिर सोच लो, 20 लाख चाहिए? बाबा मैं आपको कहाँ से ला कर दूँ 20 लाख रुपए? अपनी माँ से लाओ। माँ से? अच्छा ठीक है बाबा, मैं बात करती हूँ माँ से, मैं करती हूँ बात। दबाकर बात कर, ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे चौधरी, आज चीखने और चिल्लाने का किस्सा ही खत्म कर दूंगा मैं। क्या कर लेगा तू? तेरी ज़बान काट डालूंगा, ना तेरी ज़बान रहेगी और ना तू चीखेगा और चिल्लाएगा। चौधरी आज तेरा किस्सा खत्म कर। Yeah.
जो मैं कहता हूँ वो मैं करता भी हूँ। चौधरानी, अपने बदमाश बेटे को लगाम डाल के रख। तो फिर सुन चौधरी, आज तक मैंने उसे लगाम डाली हुई है और जिस दिन मैंने उसकी लगाम खोल दी ना, तो ना तू रहेगा और ना तेरी हवेली। तो जा। तो जा, जाकर अपने जवान बेटे की जवानी का सदका दे दे। बड़ा आया चौधरियों के नाम पे धब्बा। बाबा, आपको बहुत चोट लग गई है, मैं आपके पट्टी। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। बाबा, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटी मोटी चीजें तो होती ही रहती हैं। मुझे अंदाजा है एक खटिया हरकत मुनीर ही कर सकता है। मैंने आपसे कहा था ना बाबा कि मुनीर से बच के रहना। शाके, आप ये सारी बातों को छोड़े, बाबा की कितना खून निकल रहा है, डॉक्टर के पास लेकर चलें। चलें बाबा। ना, नहीं, मुझे कोई हमदर्दी नहीं चाहिए। चौधरी हशमत तो खुद एक तूफान, खुद एक तूफान है, उसको किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। अब देखना, ऐसे ही मुनीर को मारेगा मेरा बाप, जैसे तेरे बाप खुशी मोहम्मद को मारा था। ये आप क्या कह रहे हैं शाकिर? मैं ठीक कह रहा हूं। मतलब कि ये घर मेरे बाप के कातिलों का है? हाँ, मेरे बाप ने तेरे बाप को मारा था। हाँ। तो शाकिर सुने, जिस घर में मेरे बाप के कातिल रहते हो, मैं उनके साथ नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो रानी? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैं आप पर और आपके इस घर पर लानत भेजती हूँ, मैं जा रही हूँ। रानी, thank you.
ऐसा कौन सा परेशानी है जो तुम अपने यार इमदाद खान को अभी तक नहीं बताते? इमदाद खान, आज वो वक्त आ गया है। 10 साल पहले मेरे बाप का कत्ल हुआ और आज ऐसा लगता है कि मेरी बहन का भी कत्ल होने वाला है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा इमदाद खान। बादशाह जी, हमारा बहन की तरफ कोई आंख उठा कर देखे, खुदा का कसम उसकी आंखों के साथ साथ उसका सर भी काट कर तेरे पांव में रख देगा। ये वादा है पठान भाई का तेरे साथ। शाह साहब, पुरानी माँ आई है, बड़े परेशान है वो। और ठीक है, तुम लोग इधर उधर हो जाओ। हशमत है। हाँ मुनीर, तू ठीक कह रहा है बेटा, चौधरी हशमत ही तुम्हारे बाप का कातिल है। जो मैं कहता हूँ वो मैं करता भी हूँ। पर मुनीर शाह, एक बात का ख्याल रखना मेरा बच्चा, उस घर में मेरा दामाद भी रहता है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा बाप कातिल है और मैं कातिल का बेटा नहीं हो सकता। माँ जी, आज तक मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, आप उसकी मुझे जो भी सजा देना चाहें मुझे कबूल है। मुनीर भाई, आप भी मुझे माफ कर दो। वशा जी, इसको माफ कर दो, ये हमारा बहन का सिर का ताज है और ताज हमेशा सर पे अच्छे लगते हैं, पांव पे नहीं। शाकिर, माफ तो मैंने तुझे कर दिया, लेकिन ये कोई नई चाल तो नहीं है? नहीं शाकिर भाई, मेरा वादा। लेकिन माँ जी, मेरे बाप ने पूरी तैयारी कर रखी है मुनीर भाई को मारने के लिए। ये तू क्या कह रहे शाकिर? अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना। शाकिर, जिसकी माँ जिंदा हो उसको चौधरी हशमत जैसा कुत्ता क्या मारे? कानून अभी जागा हुआ है, सोए नहीं। जब तक इस माँ का ये बेटा जिंदा है, चौधरी की ऐसी की तैसी। इंस्पेक्टर, लेकर आओ चौधरी को अंदर। चौधरी, तुझे किसी और ने नहीं, तेरी अपनी जहालत और लालच ने तुझे डसा है। अरे तेरे अंदर के जहर को तो ये भी नहीं पता, बेटियां तो सबकी सांझी होती है। मेरे इंतकाम के और तेरी सजा के खिलाफ आज तेरा अपना खून मेरे साथ खड़ा है। दिल तो चाहता है कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन फिर ये सोचकर खामोश हो जाता हूं कि मेरी बहन इस घर की बेटी रानी है। अरे बहन, तू रोती क्यों है? तेरा ये भाई जिंदा है, जब तक तेरा ये भाई जिंदा है तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता, और बहनें तो भाइयों का मान होती है। और भाई भी तो बहनों की जान होते हैं। बिल्कुल सही कहा।
वैसे शाहजी, इस चौधरी को देख के ऐसा लगता है कि ये उस गांव का चौधरी है जो पूरा गांव ही बेगैरतों का होगा।